इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म लूट लूट मूवी के अपडेट्स। तो आइए जानते हैं। लूट रिलीज हुई थी 4 नवंबर 2011 को। फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म है जिसको रजनीश ठाकुर ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था सुनील शेट्टी, शब्बीर बॉक्सवाला और अनूप गांधी ने। अब आ जाते हैं कास्ट पर। इसमें सुनील शेट्टी, गोविंदा महा, अक्षय चक्रवर्ती, जावेद जाफरी, रवि किशन और किम शर्मा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसका जो बजट था वो था 15 करोड़ का, अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ का इसका बजट था। कलेक्शंस की बात करें तो डे वन पर इंडिया में 65 लाख रुपीस की ओपनिंग कलेक्शन की थी, फर्स्ट वीक में 3 करोड़ 10 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 3 करोड़ 42 लाख रुपीस का और इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 4 करोड़ 70 लाख रुपए का, 4 करोड़ 70 लाख का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दी कि लूट बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ये हो गई कलेक्शंस की बात। अब वैसे ये जो फिल्म है ये 2003 में आई एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है जिसका नाम था क्राइम स्प्री। अब आ जाते हैं गानों पर। तो फिल्म के अंदर टोटल 5 गाने थे। गाने कंपोज किए थे मिक्का सिंह ने। गाने के सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे ममता शर्मा, श्रवण सिन्हा, मिक्का सिंह, कुणाल गांजावाला, शान, के और वसुंधरा दास। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।